फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मेजरमेंट की 12वीं क्लास आज होने वाली है, जिसमें हम चर्चा करेंगे एंगुलर मेजरमेंट के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नंबर वन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और नंबर सेकेंड, आपके लिए कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं बताऊंगा क्लास के एंड में। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका टॉपिक चल रहा है एंगुलर मेजरमेंट, बट आज हम बात करने वाले वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर की। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था नॉन प्रिसीजन एंगुलर मेजरिंग डिवाइसेस, जो भी नॉन प्रिसीजन में आती हैं उनके बारे में, जैसा कि प्रोट्रैक्टर हो गया, बेबल प्रोट्रैक्टर हो गया, बेबल स्क्वायर हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया और कॉम्बिनेशन सेट हो गया। तो इन सब के बारे में डिटेल में क्लास है नंबर वन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नंबर वन पे, तो जाकर उस क्लास को देख लीजिएगा। और आज हम बात करने वाले एंगुलर मेजरमेंट है, जो भी प्रिसीजन आता है, यानी कि जो भी प्रिसीजन मेजरिंग करता है, तो उसमें सबसे पहले बात आती है वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर की। यानी कि अगर एंगुलर मेजरिंग आपको करना है और प्रिसीजन में करना है, तो कहीं भी सबसे पहले नाम हम किसका लेंगे, वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर का। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको पता है कि हम इस क्लास में सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन लाते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल में आती है ना, सब कुछ बताते हैं। आपके कहने पर हमने जो आज की क्लास, ये जो क्लास हो रही है, इसमें हमने दो लैंग्वेज में क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने का निश्चय किया था, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। पहले क्लास होती थी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही ला पाते थे, बट आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज इंग्लिश में लाइए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश में क्वेश्चन लाया जा रहा है, तो प्लीज आप ही के लोगों के लिए सब कर रहे हैं, तो प्लीज बिना लाइक कीजिए मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर में एक्यूट एंगल अटैचमेंट का प्रयोग किस लिए करते हैं, व्हाट डू एक्यूट एंगल अटैचमेंट, इसको बोलते हैं एक्जुलरी ब्लेड भी बोलते हैं, यूज इन ब्लेड प्रोट्रैक्टर। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूँ, व्हाट डू एक्यूट अटैचमेंट यूज इन वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर, यानी कि वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर में एक्यूट एंगल अटैचमेंट का प्रयोग किस लिए करते हैं। डिटेल में समझेंगे, सबसे पहले वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर के बारे में समझेंगे और उसी में हम आपको बताएंगे कि एक्यूट एंगल अटैचमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास की पहली फिगर आपके सामने आ चुकी है, जो कि है वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर की। तो अब सबसे पहले ये है क्या, तो ये है एंगुलर मेजरिंग डिवाइस है, लेकिन कौन सा है, प्रिसीजन है या नॉन प्रिसीजन है, तो ये प्रिसीजन में आता है। क्या है, प्रिसीजन एंगुलर मेजरिंग डिवाइस है, ये एंगल मापता है, कोण मापता है, इसके बीच का कोण मापता है। ठीक है, जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो 5 मिनट होती है, या फिर कह सकते हो 1 अंश के 12वें भाग तक होती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं किसका बना होता है, तो ये हाई क्वालिटी स्टील का बनाया जाता है, या फिर टूल स्टील का भी बनाया जाता है। ठीक है, अब इसका जो सिद्धांत होता है, जो प्रिंसिपल होता है, यानी किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, तो जो हम लोगों का वर्नियर कैलिपर था वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता था, एक कोई मेन स्केल था और एक कोई वर्नियर स्केल था, और इन दोनों के अंतर पे वो वर्क करता था, यानी सीधा सीधा कह सकते हो दो स्केलों के अंतर पर। तो सेम, बिल्कुल प्रिंसिपल इसका भी सेम है, यानी कि ये भी दो स्केल के अंतर पर वर्क करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट्स में सबसे पहले इसका बात आता है स्टॉक की। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये स्टॉक है। अब स्टॉक के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, आखिर स्टॉक होता क्या है। तो सबसे पहले अगर कहीं भी स्टॉक का नाम आता है, तो मापी जाने वाली जॉब को ये सतह प्रदान करता है। यानी मान लीजिए कोई भी यहाँ पे जॉब रखी जानी है, ऐसे रखी जानी है, तो ये रेफरेंस एक प्रकार का डेटम प्रदान करता है, तभी हम इस ब्लेड को यहाँ पे एंगल माप पाएंगे। ठीक है, और ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब किस एंगल में माप रहे हो, उसका बेस कहाँ होता है, यानी कि कह सकते हो कि जिस एंगल में हमें मापना होता है, यानी मान लीजिए इस ब्लेड को खिसका के हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, तो अभी हम किसी भी एंगल में माप रहे हैं, बट जिस जॉब की हम एंगल को माप रहे हैं उसका बेस कहाँ पे है, उसका बेस स्टॉक पे रखा जाता है, यानी कि जो स्टॉक होता है वो डेटम सतह या रेफरेंस सतह प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब जो इसका वर्किंग डायमेंशन होता है, यानी कि कह सकते हो वर्किंग एज होता है, यानी कि ये यहां से भाई इसके पीछे से क्लेम किया जाता है, बट इसका जो वर्किंग डायमेंशन होता है वो यहां से यहां तक ही तो होता है ना, यहां से यहां तक तो ही होता है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है। कितना होता है, क्लियर करके रखिएगा, 90 mm। कितना होता है, 90 mm, बहुत ही स्टैंडर्ड है, ये चीज नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। और जो इसकी थिकनेस होती है वो कितनी होती है, यानी जो स्टॉक होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है, 7 mm उसकी थिकनेस होती है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए।
ओके तो अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे ब्लेड की, जो हमारा अगला टॉपिक है वो ब्लेड है, ये चीज ब्लेड है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, स्टॉक ये एक्यूरेटली ग्राइंड होता है, बिल्कुल बिल्कुल प्रिसीजन होता है, बिल्कुल टॉलरेंस के साथ, बिल्कुल इसकी फ्लैटनेस को बिल्कुल बराबर कर दिया जाता है, बिल्कुल सर्फेस प्लेट के जैसा समझ लीजिए। अब बात करेंगे किसका, ब्लेड की। तो जो ब्लेड होता है वो क्या करता है भाई, ब्लेड किस काम में आता है, तो सबसे पहला जो ब्लेड होता है वो जो हम मेजर कर रहे होते हैं, जिस डिवाइस का कोण माप रहे होते हैं, तो एक तो हमारा रेफरेंस सतह प्रदान करता है जो स्टॉक पे रहता है, और दूसरा जो एंगल यानी कोण वाले भाग के टच में रहता है वो क्या होता है, वो ब्लेड होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो मापी जाने वाली वस्तु के कोण के साथ यानी कोण वाली भुजा के साथ संपर्क में रहता है, तो क्या लगाएंगे हम, ब्लेड लगाएंगे, ठीक है, विशेषकर झुकाव के संपर्क में बोल सकते हो, ठीक है। इसके जो दोनों किनारे होते हैं, सॉरी ये इसको इसके जो दोनों किनारे होते हैं ना वो कितने डिग्री पे बेबल होते हैं, तो एक तो 45 डिग्री पे और एक 60 डिग्री पे बेबल होते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बीच में एक इसके आयताकार स्लॉट कटा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कटा हुआ है, आयताकार स्लॉट कटा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे क्या कटा हुआ है, आयताकार स्लॉट। अब ये किस लिए होता है, ये देख लीजिए, एक यहाँ पे नट लगा है, क्या लगा है, नट, इसे लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं, एक यहाँ पर भी लगा है, एक यहाँ पर भी लगा है, तो इससे क्या करते हैं, हम इस ब्लेड को आगे पीछे खिसका सकते हैं, इसी में फंसकर ये जो स्लॉट कटा होता है ना, जैसे कि वर्नियर कैलिपर की बात कर लो, तो वर्नियर कैलिपर में जो मेन स्केल यानी जो बीम था उसके पीछे एक स्लॉट कटा था, आयताकार ग्रूव कटा था, किस लिए कटा था, जो डेप्थ बार थी उसे आगे पीछे सरकने में मदद करने के लिए, तो सेम प्रोसेस इसका भी है, इस ब्लेड को आगे पीछे खिसकाने के लिए ये स्लॉट काटा जाता है, ठीक है, और ये जो लॉकिंग स्क्रू लगा होता है ये ब्लेड को लॉक करता है, ठीक है, और इस लॉकिंग स्क्रू पे नर्लिंग की जाती है, तो इतना चीज ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि जो ये ब्लेड होता है वो बना किसका होता है, तो हाई कार्बन स्टील किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील, ठीक है, किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब जो इसकी लंबाई होती है यानी कि जनरल लंबाई कह सकते हो, तो 150 mm भी होती है, और या फिर अथवा कह सकते हो 300 mm भी होती है, जनरल ये सामान्यतया होती है, ठीक है, आप कहीं भी वन ईयर बेबल प्रोट्रैक्टर क्लास में जाओगे या फिर कॉलेज में जाओगे फिर खरीदने जाओगे तो उसके साथ में दो ब्लेड मिलेगी, एक की लंबाई रहेगी 150 mm और एक की रहेगी 300 mm, ठीक है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब जो इसकी थिकनेस होती है, किसकी जो ब्लेड होती है इसकी थिकनेस कितनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना भी कह लो लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, कितना होता है 2 mm, कितना होता है 2 mm, ठीक है, तो अगर ये आपको लग गया होगा कि ये चीज हमें कहीं से नहीं पता हो और यहां पे अगर आपको पता चली हो बात, तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ। अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे लॉकिंग स्क्रू की, लॉकिंग स्क्रू की, तो इसे कौन कौन सा होता है, दो होता है, सबसे पहला एक लॉकिंग स्क्रू यहां पे होता है जो क्या करता है, जो डायल को लॉक करता है, किसको लॉक करता है, डायल को लॉक करता है, इस वाले डायल को लॉक करता है, किसके साथ, डिस्क के साथ, और दूसरा क्या करता है, ब्लेड को लॉक करता है, किसको लॉक करता है, ब्लेड को लॉक करता है, एक तीसरा भी होता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, अभी आपको एक दूसरे फिगर में दिखा दूंगा, जो क्या करता है, जो फाइन एडजस्टमेंट का मतलब समझ रहे हो, बहुत सूक्ष्म खिसकाने के लिए इधर उधर का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके तो अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे डिस्क की, मेन जो होता है डिस्क, ये है डिस्क क्या बोलते हैं, डिस्क, इसे डिस्क बोलते हैं। अब इसका यूज क्या है भाई, ये सीधा सीधा कह सकते हो गोलाकार है, प्रोटेक्टर जैसा होता है, गोलाकार, सेम प्रोटेक्टर ही बोल सकते हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, गोलाकार होता है, ठीक है, इतना चीज के लिए। अब आपको पता है कि जो गोलाकार होता है वो 360 डिग्री होता है भाई, किसी भी गोले को 360 डिग्री में ही रखा जाता है, ठीक है। अब इसका इस पे क्या होता है, इस पे मेन स्केल बने होते हैं, इस पे कुछ स्केल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ 10, 20, 30, 50 कुछ बने हैं ना, तो ये क्या है, ये मेन स्केल है, क्या होते हैं, ये मेन स्केल है, ठीक है, MS मेन स्केल डिवीजन, क्या है, मेन स्केल डिवीजन। ओके तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब इस पे इस जो मेन स्केल डिवीजन बने हुए हैं, इसके एक मेन स्केल डिवीजन का भाव मान कितना होता है, यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, एक डिग्री होता है, कितना होता है, एक डिग्री होता है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब एक बात और, जो इस पे ग्रेजुएशन बने होते हैं, यानी डिस्क पे जो ग्रेजुएशन बने होते हैं वो कैसे होते हैं, 0 से 90, फिर 90 से 0, फिर 0 से 90 और 90 से 0, ये 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर दिए जाते हैं। आपने 4 चतुर्थांश तो पढ़ा होगा, पहले में 0 से 90 और दूसरे में 90 से 80 नहीं, हाँ 90 से 0 और तीसरे में 180 से 270 नहीं, 0 से
90, फिर 90 से 0, तो ये चीज ऐसे ही घूमता रहता है, ठीक है, ये ऐसे ही इसको बनाया गया है, इसके ग्रेजुएशन को ऐसे ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे डायल की। डायल कौन सा, ये वाला पार्ट क्या है, डायल है, ये वाला पार्ट क्या है, डायल है। अब डायल क्या होता है, ये ब्लेड के साथ रोटेट करता है, यानी कि जब जब हम इस ब्लेड को घुमाएंगे, यानी कि मान लीजिए जॉब पर हमें मापना है, यहाँ पे मापना है, तो जब हम ब्लेड को खिसका के इधर लाएंगे तो डायल भी साथ में घूम जाएगा, ठीक है, 360 डिग्री तक, यानी आप इधर से पकड़ के इधर भी आराम से पकड़ के घुमा सकते हो, इधर से रोटेट कर सकते हो, ठीक है, 360 डिग्री पे। अब एक बात और, माप लेने के बाद जो डायल होता है उसे क्या करते हैं, उसे क्या खुला छोड़ देंगे, नहीं, इस ये जो क्लैंपिंग डिवाइस है ना, इससे लॉक कर देंगे डिस्क के साथ, किसके साथ, इस वाले डिस्क के साथ लॉक कर देंगे। अब एक बात और मेन इंपॉर्टेंट है कि इस पे वर्नियर स्केल डिवीजन बने होते हैं, और जो वर्नियर स्केल डिवीजन बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं, 12-12 लाइनें बनी होती हैं, कितनी कितनी लाइनें, 12-12 लाइनें, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, ठीक है। अब इसके बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे जब ग्रेजुएशन पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और, आपने कभी कभी देखा होगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिए जाते हैं, किस लिए, चूंकि ये जो दिखाई दे रहा है ना, हमें क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा नजदीक है ना पॉइंट, तो दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया जाता है। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा जो लेटर होता है, यानी जो लाइनें होती है, उन्हें थोड़ा जूम लेवल पे कर देता है, तो बड़े बड़े थोड़ा दिखने लगती है, तो इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है। अब बात आगे इंपॉर्टेंट है, किसकी बात आ गई, एक्यूट एंगल अटैचमेंट की। अब बात किसकी करेंगे, एक्यूट एंगल अटैचमेंट की, आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक और बेबल प्रोट्रैक्टर की फिगर आ चुकी है, जो कि पहले वाले बेबल प्रोट्रैक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो अभी इसके बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो, एक क्लैंपिंग डिवाइस जो ब्लेड को लॉक करता है, एक जो डायल और डिस्क को साथ में लॉक करता है, और एक यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट के लिए है। क्या है, फाइन एडजस्टमेंट के लिए होता है, ठीक है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो तीन क्लैंपिंग डिवाइस कह सकते हो प्रकार से। अब बात आती थी एक्यूट एंगल अटैचमेंट की, किसकी बात आती थी, एक्यूट एंगल अटैचमेंट, यानी ट्रिपल ये, ठीक है, ट्रिपल ये की। तो अब ये अटैचमेंट, बात आती अटैचमेंट के नाम से ही पता चला कुछ तो अटैच एक्स्ट्रा किया जाता है। तो जब भी आप वन ईयर बेबल प्रोट्रैक्टर यानी जहां से इशू करवाओगे कहीं से या फिर खरीदोगे, तो उसके साथ में एक ये वाली ब्लेड मिलती है, एक छोटी सी ब्लेड जैसी रहती है, स्टॉक जैसी रहती है। तो ये क्या करता है, तो इसका एक सिरा 30 डिग्री पे बेबल होता है, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे बेबल होता है, ठीक है। तो एक चीज, पहला चीज क्लियर। अब दूसरा, इसे एंगल अटैचमेंट क्यों बोलते हैं, सबसे पहले इसके यहाँ पे एक स्क्रू लगा है, क्या लगा है, एक स्क्रू लगा है, और इसके बीच में यानी स्टॉक के बीच पे एक स्लॉट दिया जाता है, जो मैंने भूल गया था बताने के लिए, यहाँ पे एक क्या कटा होता है, स्लॉट कटा होता है, तो इसके अंदर में खिसका के फिर घुमा के इसको लॉक कर देते हैं, क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। अब इसको लॉक कर दिया आपने, अब क्या करता है, मान लीजिए आपको जल्दबाजी में, जैसे कि गेज का बात कर लो, गेज क्या करता है कि किसी भी वस्तु को जल्दी से जल्दी चेक करता है, टाइम को बचाता है। तो ये भी क्या करेगा कि 30 एंगल जो होगा ना, 30 डिग्री होगा ना, वो जल्दी से जल्दी चेक करेगा, कहीं भी 30 एंगल रखोगे और कहीं भी फटाक से 30 एंगल चेक कर देगा, और इधर एक 90 एंगल भी चेक कर देता है, एक ट्राई स्क्वायर का भी इधर कार्य कर रहा होता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल अटैचमेंट बोलते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसका एक नाम है एक्जिलरी ब्लेड होता है, क्या होता है, एक्जिलरी ब्लेड होता है। अब एक बात, इसकी जो एक सिरा इसका 30 डिग्री पे बेबल होता है, ठीक है, लेकिन जो इसका टॉलरेंस होता है, यानी कि जो इसके फ्लैटनेस का टॉलरेंस होता है, ठीक है, ये जो इसके फ्लैटनेस का टॉलरेंस होता है, वो कितना होता है, 0.005 mm। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, mm, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्लैटनेस है किसका, तुम्हारे एक्यूट एंगलमेंट अटैचमेंट के ब्लेड का, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और एक चीज, आपने नाम सुना होगा यूनिवर्सल बेबल प्रोटेक्टर का, तो वो क्या होता है भैया, ये यही होता है यूनिवर्सल बेबल प्रोटेक्टर। उसी में अगर आपने अटैचमेंट को लगा दिया, यानी कि एक्यूट एंगुलर अटैचमेंट को अगर जोड़ दिया वन ईयर बेबल प्रोटेक्टर के साथ, तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल बेबल प्रोटेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल बेबल प्रोटेक्टर बन जाएगा। और इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, सेम होती है भैया, तो उसमें तो कोई बदलेगा नहीं, है ना। अब बात कर लेते हैं एक और चीज की, अभी मैं आपको फिगर के साथ दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, यहां पे कैसे एंगल चेक कर रहा है, देख लीजिए कैसे कहीं भी एंगल चेक कर सकता है आसानी से।
है ना, तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर का यूज कहाँ करते हैं। तो नंबर वन, कोई भी न्यून कोण चेक कर सकते हो आसानी से। ये देख लीजिए यहाँ पे न्यून कोण चेक किया जा रहा है। अब अभी बात कर लेते हैं अधिक कोण भी, देख लीजिए अधिक कोण भी आसानी से चेक कर सकता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि बी ब्लॉक को भी चेक कर लेता है। देखिए इतनी सारी यूज है इसके, देख लीजिए यहाँ पे इसके सारी यूज, काफी सारी यूज दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और आराम से यहाँ पे देख लीजिए, ट्राई स्क्वायर का भी कार्य करता है। देख लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री भी एंगल चेक कर रहा है आसानी से, है ना। तो ये चीज देख लीजिए और मैं आपको क्लियर। अब एक बात यहाँ पे मैंने बताया था ना कि 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर दिया जाता है। देख लीजिए 0 से 90, 90 से 0, 0 से 90, 90 से 0, तो ऐसे ही डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। और इस फिगर में देखिए फ्रेंड्स, वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर का एक प्रकार का ये भी यूज है। ये क्या यूज है, ये बी ब्लॉक को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। यानी कि कहीं भी अगर प्रश्न में आता है कि बी ब्लॉक चेक किया जाता है और ऑप्शन में कहीं दिया गया है वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर, तो जो राइट आंसर में हम कलेक्ट करेंगे उसमें जो वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर होगा उसको रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। मैं एक चीज और आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये ऑप्टिकल बेबल प्रोटेक्टर होता है। अब ये होता वैसे ही है जैसे कि वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। अब वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है, वो खास क्यों है, क्योंकि वो माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर से ज्यादा सूक्ष्म माप लेता है। सेम ये भी वही वर्क करता है, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर से ज्यादा सूक्ष्म अगर माप लेना है तो किसका यूज करोगे, ऑप्टिकल बेबल प्रोटेक्टर का। इसकी सूक्ष्मता क्या होती है, 2 मिनट होती है, और वर्नियर बेबल की कितनी होती है, 5 मिनट होती है। तो आ गया ना 3 का डिफरेंस। तो ये चीज होता है, अब ये क्लियर होना चाहिए। अब हम बात किसकी करेंगे, हाँ एक बात और, अगर आपको ऑप्टिकल बेबल प्रोटेक्टर के बारे में फुल क्लास चाहिए, यानी पूरी डिटेल से चाहिए इसके बारे में क्लास, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, 10-12 कमेंट कम से कम होंगे तभी इस पे क्लास लाएंगे और डिटेल में लाएंगे। फिलहाल आप कमेंट जरूर कर देना अगर आपको क्लास चाहिए। तो अब बात किसकी करना है, हमें ग्रेजुएशन पे बात करना है और लिस्ट काउंट निकालना सीखना है। तो अभी हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के बारे में। किसके बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में, यानी कि जो भी ग्रेजुएशन अंकित होता है हमारे किस पे, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर पे, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो अभी चलिए देखते हैं। तो अभी ए नंबर में है, पहला पार्ट में क्या है कि डिस्क पर 360 डिग्री बने होते हैं और ये इसे क्या बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं, और ये डिवाइड किए जाते हैं कितने पार्टों में, 4 पार्टों में, 0 से 90, 90 से फिर 0, फिर 0 से 90 और 90 से 0। यानी कि एक श्रेणी चलती रहती है कंटिन्यू, फिर वही रिपीट हो जाता है, 0 से 90, 90 से 0, 0 से 90, 90 से 0। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब तो बात करते हैं अगले की। अगला कि प्रत्येक दसवां भाग बड़ी रेखा से डिनोट किया जाता है। बात करते हैं इस वाले फिगर में, यानी कह रहा है कि 0 से और 10 लाइन पे जब जाएंगे तो वो बड़ी रेखा से रहेगा, फिर 10 के बाद 20 और 20 के बाद 30, ऐसे करते करते 90 तक जाएंगे। तो जो बड़ी रेखा होती है वो 10वीं लाइन पे पाई जाती है, और जो 5वीं पे छोटी, वो उससे छोटी भी पहली लाइन पे पाई जाती है, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ये ग्रेजुएशन के निशान होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेजुएशन के निशान होते हैं। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है अगला कि डिस्क के प्रत्येक भाग का मान होता कितना है। तो आपको बिल्कुल पता होगा कि एक डिस्क के एक भाग का मान कितना होता है, उतना ही होता है जितना बेबल प्रोटेक्टर के एक भाग का मान होता है, यानी 1 डिग्री। अब बात आती अगले पार्ट की। यहाँ पे 2 पार्ट था, एक था डिस्क पे और एक था डायल पे। अब हम डायल की बात करेंगे। डायल पर वर्नियर स्केल डिवीजन बने होते हैं, 24 भाग में बनाए जाते हैं, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड दोनों जोड़ जोड़ के 12 इधर और 12 इधर। अब इस पे जो ग्रेजुएशन होते हैं वो 0 से 60 तक बने होते हैं, 0, 15, 30, 45 और 60। ठीक है, अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ फिगर में। ये रहा इधर ये बॉर्डर और इसके इधर पाकिस्तान, यानी कि समझ सकते हो इधर राइट हैंड साइड पे 0 से 12 और इधर से 0 से 12, ये इसका बॉर्डर लाइन है। ठीक है, 12 इधर 12 इधर, और जो ग्रेजुएशन अंकित होते हैं 15, 30, 45, 60। ठीक है, और हर एक तीसरी लाइन बड़ी होती है। ठीक है, तो ये चीज वैसे बताना जरूरी है, वैसे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, प्रत्येक तीसरी रेखा बड़ी होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, 12 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 23 मेन स्केल डिवीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, जब हम वर्नियर स्केल की 12 लाइनों पे चलेंगे तो
मेन स्केल पर हम 23 लाइनों पे चल चुके होते हैं, यानी कह सकते हो कि जब हम अपने यहाँ के एक प्रकार से कह सकते हो कि जब हम अपने यहाँ 1 किलोमीटर चलते हैं तो पाकिस्तान में 5 किलोमीटर चल रहे होते हैं, ऐसा कह सकते हो प्रकार से। तो बस सेम वही कंडीशन इस पे भी लागू किया गया है, ठीक है। तो 12 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना होता है, 23 मेन स्केल डिवीजन। अब पता होगा कि 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 डिग्री, तो 23 मेन स्केल डिवीजन बराबर 23 डिग्री हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं वही 23 मेन स्केल डिवीजन बराबर 23 डिग्री इक्वल टू 12 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब क्या करते हैं, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का हम मान निकालेंगे, तभी तो हमारा लिस्ट काउंट सक्सेस हो पाएगा ना। तो अब क्या करना है, अब पक्षांतर कर दिए 12 को इधर, 23/12 आ गया। अब यहाँ पे 12 और 11 13 23, तो यहाँ पे 1 डिग्री सीधा सीधा मिल जाता है और एक मिलता है 11/12, यानी डिग्री पूरा नहीं है। तो हम इसको मिनट में बदलेंगे। आपको पता होगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मिनट को एक निशान से प्रदर्शित किया जाता है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, इसे डबल निशान से इंगित करते हैं, यहाँ पे डिग्री के निशान बने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद 660 आ गया और बटे 12 यानी 55 मिनट निकल के आ रहा है। तो अभी क्या निकल के आ रहा है कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, 1 डिग्री 55 मिनट। भैया ना 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 ना, थिम्बल डिवीजन पे मत जाना कि एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता था माइक्रोमीटर में, तो ये होता था उसके लिस्ट काउंट के बराबर 0.01 mm, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब बात आती है यहाँ पे, ये जो घटाया गया ये है क्या, इसका फंडा क्या है, तो अभी बात कर लेते हैं इस पे। देखिए सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए आपको 10 रुपये दिया गया और 10 रुपये में से आप कुछ सामान लाते हो, मान लीजिए ले आते हो 9.00 रुपये का सामान ले आते हो, यानी 9 रुपये कुछ पैसे के सामान ले आते हो। तो अब करोगे क्या, क्या आपको 10 रुपये दिए गए थे ना कि 9 दिए गए थे, फिलहाल वो 10 जो दिया गया था उसमें 9 भी आता है, 8 भी आता है, 7 भी आता है, लेकिन आप घटाओगे किस में से, 10 में से घटाओगे ना कि 9 में से घटाने लगते हो ना। तो बस सेम प्रोसेस इसमें भी किया गया है, हम इसमें मिलाते हैं, लाइन मिलाते हैं कि कौन सी लगभग बराबर है, यानी पहले वर्नियर स्केल से कंपेयर करेंगे, वर्नियर स्केल की एक लाइन हम लेंगे और इस एक लाइन को इस पे काउंट करेंगे कि इस पे कितनी लाइन बराबर होती है। तो एक तो होगी नहीं, वो बिल्कुल छोटी है, तो दूसरी लगभग बराबर, थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो यानी कि आप माइनस करना सफल हो जाएगा, सही रहेगा। तो बस वही कर देते हैं, 2 मेन स्केल बराबर लगभग बराबर होता है, 1 डिग्री 55 मिनट वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर। तो क्या करते हैं, लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, 2 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन घटा देते हैं, तो 2 डिग्री यानी 120 मिनट और 1 डिग्री 55 मिनट बराबर 115 मिनट। तो अभी माइनस करोगे तो 5 मिनट निकल के आ रहा है। तो अब ये निकल के आ गया लिस्ट काउंट। अब हम बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर में एक्यूट एंगल अटैचमेंट किस लिए करते हैं, व्हाट डू एक्यूट एंगल अटैचमेंट यानी एक्जिलरी ब्लेड यूज इन वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर, तो न्यून कोण को चेक करने में किया जाता है, ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर की ब्लेड की थिकनेस कितनी होती है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द ब्लेड ऑफ द वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर, तो कितनी होती है, 2 mm रखी जाती है, यानी 2 mm होता है किसके, वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर के ब्लेड की मोटाई। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर के इस स्टॉक की मोटाई कितनी होती है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द स्टॉक ऑफ द वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर, तो 7 mm रखी जाती है, यानी कि जो स्टॉक की थिकनेस होती है वो 7 mm रखी जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बने होते हैं, ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर आर द मेन स्केल डिवीजन ग्रेजुएटेड, तो आपको अभी मैंने क्लियर किया था कि डिस्क पे मेन स्केल डिवीजन और डायल पे वर्नियर स्केल डिवीजन। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है, यानी कितना होता है, तो कितना होगा, द वैल्यू ऑफ ईच वर्नियर स्केल डिवीजन, यहाँ पे ईच की बात की जा रही है, ईच वर्नियर स्केल डिवीजन
आप वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर तो कितना होता है, 1 डिग्री 55 मिनट होता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्लियर करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक MSD का मान होता है, यानी मेन स्केल डिवीजन का मान होता है, तो 1 डिग्री होता है, क्लियर करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर के साथ मापते समय सामान्य रूप से रेफरेंस सतह यानी संदर्भ सतह के रूप में किस भाग का उपयोग किया जाता है। While measuring with the vernier bevel protractor, which part is used normally as reference surface? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो स्टॉक होता है वो बेस के रूप में, रेफरेंस के रूप में, डॉटम के रूप में यूज किया जाता है। और इसके जस्ट विपरीत अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का वह भाग जो कोणीय सतह के संपर्क में रहता है, पार्ट ऑफ द वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर दैट इज इन द कॉन्टेक्ट विद द एंगुलर सर्फेस। तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लेड होता है वो कोण वाले एरिया के संपर्क में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर के ब्लेड के किनारे बने होते हैं। वर्नियर बेबल आर मेड ऑन द साइड ऑफ द प्रोटेक्टर ब्लेड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 45 और 60 डिग्री हो जाता है, और अटैचमेंट वाले का 60 डिग्री बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग कहाँ करते हैं, यानी किस लिए करते हैं, तो एंगुलर मेजरमेंट में करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, तो एंगुलर मेजरमेंट में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, तो इसका लीस्ट काउंट 5 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर के ब्लेड का सामान आयाम क्या है। What is the general dimension of blade of the vernier bevel protector? मैंने आपको बताया था कि normally 150 से 300 mm तक रहता है। एक 150 mm में मिलेगा, दूसरा 300 mm में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉक के काम करने का आयाम क्या है, यानी ये कह रहा है कि what is the working dimension of stock? यानी जो स्टॉक होता है उसका कितना भाग वर्किंग में आता है, उसकी डायमेंशन कितनी होती है, तो लगभग 90 mm होता है जो हमारे काम में आता है, यानी मेजर करने में यूज किया जाता है, ठीक है। स्टॉक की पूरी लेंथ बता रहा है, कितना हमें काम में यूज करते हैं, वो क्वेश्चन बन के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर वर्क, तो दो स्केलों के अंतर पर, डिफरेंस बिटवीन टू स्केल। अगला क्वेश्चन है कि एक्यूट एंगल अटैचमेंट की फ्लैटनेस टॉलरेंस क्या है। व्हाट इज द फ्लैटनेस टॉलरेंस ऑफ एक्यूट एंगल अटैचमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि 0.005 mm होती है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस में और इसरो में रिपीट किया जा सकते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल बेबल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी कितनी होती है। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ऑप्टिकल बेबल प्रोटेक्टर, 2 मिनट होती है। ऑप्टिकल बेबल प्रोटेक्टर के बारे में कमेंट करोगे तो जरूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल बेबल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी कितनी होती है, तो 5 मिनट होती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब हमें बात करना है, रीडिंग लेना हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले थे रीडिंग लेना, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग लेना। इससे पहले एक बात बोल दें कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो दिल से लाइक कीजिए, बाहर से मत लाइक कीजिए, दिल से लाइक करके जाइए। और जब दिल कहे तभी लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी लगती है तभी लाइक करना। और कंजूसी मत क्या करो, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो। क्या होता है कि कुछ बच्चे आते हैं पढ़ के और निकल जाते हैं, लाइक भी नहीं करते। लाइक करने में पैसा थोड़ी जा रहा है, बस एक प्रकार से थोड़ा हमें बस प्रोत्साहन मिल जाता है कि हाँ, लड़कों को पसंद आ रहा है, हमारी चीजें पसंद आ रही हैं, तो हम इसे और बेटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक जॉब मैंने सेट कर दिया था, अब मैंने इसकी रीडिंग मुझे लेनी थी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग ग्लास है मैंने इसकी रीडिंग नोट कर ली। कहाँ पे नोट की, इस वाले पेज पे। अब इस वाले पेज पे हमने जीरो से रीडिंग लेना स्टार्ट किया। सबसे पहला पॉइंट नोट ये कर लो कि जिस तरफ से रीडिंग ले रहे होते हो उस तरफ से जब चलोगे तो उस तरफ 2 स्केल मिलेगा, एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला। तो जिस तरफ से आ रहे होते हो उसके पहले वाले स्केल को नहीं यूज करना, उसके जस्ट सामने वाले, यानी कि अगर राइट से आ रहे हो यानी लेफ्ट से आ रहे हो तो राइट वाले को, और अगर राइट से जा रहे हो तो लेफ्ट वाले को यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखना, कभी भी कंफ्यूज में मत रहना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे हम चल रहे हैं तो ठीक है, अब कहाँ तक काउंट करेंगे, वहां तक काउंट करेंगे जहां पे जीरो लाइन, जहां पे बॉर्डर लाइन होगी, यानी कि कहीं से तो वर्नियर स्केल डिवीजन को कहीं से तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड किया जा रहा होगा ना, तो यहाँ पे जीरो, तो यहां तक काउंट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे जीरो से मैंने काउंट करना स्टार्ट किया और कहाँ तक काउंट किया, जीरो वाली लाइन तक, यानी जीरो वाली लाइन यहाँ पे थी ना, यहाँ पे, तो इससे पहले, यानी इससे पहले, तो इससे पहले कहाँ तक है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी 28 हो गया, तो यहाँ पे 28 डिग्री हो गया, ठीक है, 28 डिग्री हो गया प्लस में। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि एक मिनट पेंसिल हटा देता हूँ, अब हमें करना ये है कि यहाँ पे जो, अब यहाँ से जीरो से अब यहाँ पे हमें लाइन को देखना है, उस वाले लाइन को देखना है जो एग्जैक्ट मैच होती हो, बाद की नहीं बात करें, जो सबसे पहले, तो पहले लाइन से गिनते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी लाइन देखिए एग्जैक्ट मैच हो रही है, क्या हो रही है, तीसरी लाइन एग्जैक्ट मैच हो रही है, ठीक है। तो अभी मेन स्केल पे हमने लिया था 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 लिया था, है ना, तो ये मेन स्केल हो गया प्लस, और उसके बाद वर्नियर स्केल पे काउंट कर रहे होते हैं, तो ये 0, 15, 20, 30 इसको अगर भूल मान लीजिए, ये नहीं रहता, सिर्फ लाइन ही बनी रहती है, तो जीरो के बाद गिनिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग मिल रहा है, तो क्या करेंगे, तीसरा भाग लिखेंगे और गुणा कराएंगे किससे, उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर 28 अंश हो गया और प्लस 15 मिनट हो गया, है ना, 15 मिनट हो गया, तो आंसर निकल के क्या आ रहा है, 28 डिग्री 15 मिनट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है, 28 डिग्री 15 मिनट निकल के आंसर आ रहा है, तो ये राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। अब बात किसकी करेंगे, बात करेंगे और अगले सारे क्वेश्चन की, है ना। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहां पे कमेंट कीजिएगा, इसके आंसर को पढ़ के दीजिएगा, ठीक है, अपने आप को यहीं पे चेक कर लीजिएगा कि हमें आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं, ये देखिए, दोनों का हमें आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, ओके, तो ठीक, तो आपको अब चीजें दिखाई दे रही होगी, अब चलते हैं अपने पीडीएफ पे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पीडीएफ, और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। अब जो इन्फॉर्मेशन थी वह मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन थी वह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपका चैनल है, यानी मेरा चैनल है एबी टेक्निकल हब, ये आप ही का है, समझ लीजिए। यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस प्लेलिस्ट पर आने के बाद आपको दिखाई दे रही, यहाँ पे एक पटेल सर जी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। अभी इन्होंने फोर्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट किया है। अब ये सारे प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आएंगे, उन सबको सॉल्व करवाते रहेंगे। तो आप यहाँ पे अगर आईटीआई आप पढ़ रहे हैं, यानी प्रिपरेशन में है, आपका आईटीआई एग्जाम पेंडिंग पड़ा हुआ है, फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर में है, या फिर सीआईटीएस का एग्जाम पेंडिंग पड़ा है, तो यहाँ पे विजिट करके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ पे एक दिखाई दे रही होगी 1500 MCQ, एक मिनट, ये वाली चीज है, ये 1500 MCQ की सीरीज है। किसके सीरीज है, 1500 MCQ, 1500 MCQ पढ़ो, एग्जाम क्लियर करो। तो ये 2 घंटे की क्लास है, 1 घंटे 38 मिनट की क्लास है, 50 क्वेश्चन डिस्कशन किया गया है, मैंने ये डिस्कशन किया है, तो आप इस क्लास को आके देख सकते हो। इसकी दूसरी क्लास बस आने ही वाली है, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको एक साथ मिलेगा 1500 MCQ। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी आपको अपने टेलीग्राम, यानी अपने फोन में टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है, वहां पे आके सर्च करना है एबी, उसके बाद स्पेस देना और फिर लिखना है टेक्निकल। जैसे ही आप लिखोगे, आपके सामने दो ग्रुप आ जाएगा, एक एबी टेक्निकल हब चैनल लिख के, एक फिटर थ्योरी करके। तो एबी टेक्निकल हब में आपको जाना है, और यहाँ पे क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है, जितना भी पीडीएफ रहता है, जितनी भी क्लासेस होती हैं, जो भी न्यूज होता है, सब कुछ बताया जाता है। देखिए, यहाँ पे मुंबई मेट्रो रेल भर्ती, ठीक है, गुड न्यूज, ठीक है, हर चीज, यानी रिक्वायरमेंट, कोई भी आईटी से भर्ती आती है, या फिर किसी भी चीज का, या फिर कोई भी क्लास होने वाली होती है, फिर कोई भी पीडीएफ, देखिए यहाँ पे पीडीएफ भी
प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे जैसे आओगे यहाँ पे एक डिस्कशन का बॉक्स देखेगा, चूंकि ये मेरे अकाउंट से है इसलिए डिस्कशन नहीं दिख रहा। यहाँ पे डिस्कशन पे जैसे क्लिक करोगे ये वाला ग्रुप खुल जाएगा। यहाँ पे 213 मेंबर हो चुके हैं और इस वाले ग्रुप में 274 मेंबर हो चुके हैं, तो आप जुड़ सकते हो और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और सर्च करके भी जुड़ सकते हो, ठीक है, और व्हाट्सएप का लिंक भी दे दूंगा। बट एक बात नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे कभी भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे ही दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कोई भी कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।